एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजो ऑफिशियल, अवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं किचन से कर रही हूँ। और आज है, जी हाँ, 26 नवंबर है और आज है छठ इतवार का नहा खाए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं खाना बना रही हूँ। तो आपको कढ़ाई में दिख रहा होगा कद्दू की सब्जी बन रही है और इस पर मैं चना की दाल अभी कुकर में डाली हूँ। और उसके बाद मैं और मम्मी करूँगी छठ इतवार। तो मैं आज का जो ब्लॉग है, छोटा ही ब्लॉग होगा लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरे छठ इतवार ब्लॉग को बहुत प्यार दे रहे हैं। और नियम भी मैं बताई, उसको भी, मेरा जितना भी है इस टाइप का वीडियो, आप लोग बहुत उसे प्यार दे रहे हैं। तो इस ब्लॉग को भी आप लोग ढेर ना, और बने रहिए। नहा खाए ब्लॉग भी जाएगा छठ इतवार के बाद। छठ इतवार कैसे करती हूँ वो भी मैं बताऊँगी आप लोगों को, दिखाऊंगी, जी हाँ, पूरा विधि दिखाऊंगी आप लोगों को हमारे यहाँ कैसे होता है। तो कहीं मत जाइएगा। देखो कद्दू मैं इसको मैस रही हूँ, जी हाँ। और यहाँ देख सकते हो आलू गोभी की सब्जी बनेगा। तो गोभी है और यहाँ पे आलू कटा हुआ है, देख सकने वाला है। तो ये सारा खाना, तो फिलहाल मैं नहा धो ली हूँ, उसके बाद ही आई हूँ। चूड़ी भी चेंज कर ली हूँ, जी हाँ, मीट मछली का चूड़ी होता है तो उसको भी चेंज कर ली हूँ। तो पूरी तरह से बाल भी धो ली हूँ, सब कुछ कर ली हूँ। तो फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। बहुत ज़्यादा ही हुनर हो जाता है, जी हाँ। पूरा अच्छे से साफ़ करिए, उसके बाद सारा खुद नहाइए, खुद सारा कुछ नियम से होता है। पूजा पाठ में एक एक नियम का ध्यान देना पड़ता है। फाइनली यहाँ देख सकते हो नहा खाए का खाना निकल चुका है, जी हाँ, थाली। और यहाँ पे मम्मी जो है वो नवेद, और यहाँ पे नहा खाए हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। मम्मी नहा खाए कर रही हैं और साइड में जो है वो मेरा है, मैं भी करूँगी, तो इसलिए मेरा भी है, देख सकती है। अगहन का इतवार का नहा खाए ब्लॉग जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे नहा खाए स्टार्ट। अक्सर आप लोगों का क्यूरी आ रहा है, जी हाँ, क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो कि छठ इतवार के नहा खाए में क्या खाना चाहिए। तो छठ इतवार के नहा खाए में चने की दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल, जी हाँ, ये खाया जाता है। और आप सब्जी भी बना के खा सकते हो, लेकिन नियम जो है ये आप, और वो भी सेंधा नमक पे ही बनाया जाता है खाना और खाया जाता है। इस दिन आप अपने आपको पूरी तरह से पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध करके नहा धो के तभी खाना बनता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है और मैं भी ऐसे ही की हूँ। और उसके बाद कल मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपने ब्लॉग में, जी हाँ, छठ इतवार की पूजा विधि कैसे हमारे यहाँ होता है वो भी मैं दिखाऊंगी। और आज के ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं मैं बनाई हूँ, बहुत छोटा बनाई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।